डिजाइन के आज के इतिहास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं कोमल गंडोत्रा। आइए हम बात करते हैं आज के इतिहास के बारे में। 1764 में बंगाल के नवाब मीर कासिम को अंग्रेजों ने हराया। आज के दिन 1765 में फिलाडेल्फिया में पहला अमेरिका मेडिकल कॉलेज खुला। 1845 में चीन के कैप्टन में थिएटर में आग लगने से 1600 लोगों की मौत हो गई। 1896 में भारत के राष्ट्रवादी राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ और भारत के पूर्व रक्षा मंत्री वी के कृष्णन मेनन का जन्म हुआ। आज के दिन 1913 में पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र प्रदर्शित हुई। 1919 में अमानुल्लाह खान द्वारा ब्रिटिश भारत पर आक्रमण हुआ, जिसमें एंग्लो अफगान युद्ध की शुरुआत हुई। 1930 में राजस्थान की प्रसिद्ध महिला राजनीतिज्ञ सुमित्रा सिंह का जन्म हुआ। आज के दिन 1955 में झारखंड के 6वें मुख्यमंत्री रघुवर दास का जन्म हुआ। 1961 में कमांडर एलन शेपर्ड अंतरिक्ष में जाने वाले पहले अमेरिकी यात्री बने। 1977 में गणित की दुनिया का प्रतिष्ठित सम्मान फील्ड्स मेडल पाने वाली पहली महिला गणितज्ञ मरियम मिर्जा खानी का जन्म हुआ। आज ही के दिन 1981 में भारतीय सिने अभिनेत्री नरगिस का निधन हुआ। 1989 में देश के पहले 50 किलोवाट के स्वर ऊर्जा संयंत्र का हरियाणा में शुभारंभ हुआ। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की। आज ही के दिन 1998 में यूरो को यूरोपीय मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया। आज ही के दिन 2006 में पाकिस्तान और ईरान ने द्विपक्षीय गैस पाइपलाइन करार पर दस्तखत किए। आज ही के दिन 2006 में भारत के राजनीतिज्ञ प्रमोद महाजन का निधन हुआ। आज ही के दिन 2008 में टाटा स्टील लिमिटेड को ब्रिटेन में कोयला खनन का पहला लाइसेंस मिला। आज ही के दिन 2013 में चीन में डायनासोर का लगभग 16 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिला। 2016 में कनाडा के अल्बर्टा में भीषण आग लगने से तकरीबन 80,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और इस दौरान अरबों डॉलर का नुकसान। आज के अंक में बस इतना ही। कल होगी फिर मुलाकात, तब तक देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। कृष्णा डायग्नोस्टिक लैब कमिटेड टू प्रूव क्वालिटी पेशेंट केयर एंड डायग्नोसिस अंडर वन रूफ। 51/9 त्रिकुटा नगर नियर पुलिस स्टेशन।